वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण। तो आप सभी का स्वागत है मेरे क्यूबेंस की सीरीज में। और बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज स्टेटफुल एंड स्टेटस एप्लीकेशन के बारे में, कि स्टेटस एप्लीकेशन और स्टेटफुल एप्लीकेशन क्या होती है, हम उसे क्यों यूज करते हैं और उनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपके जो लाइक है, जो आपके सब्सक्रिप्शन है, इससे मुझे मालूम पड़ता है कि आपको मेरी वीडियोस जो है वो कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। और अगर आपके मन में कोई भी फीडबैक है या कोई भी सजेशन आप ये देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आपके जो फीडबैक्स हैं, जो आपके सजेशन हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर काम करूंगा। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा टॉपिक और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए वीडियो के माध्यम से आपको मैं दे सकूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आपको वीडियोस की मिलती रहे, करेक्ट। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज स्टेटफुल एंड स्टेटलेस एप्लीकेशन। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं स्टेटफुल और स्टेटलेस की, अगर ये वर्ड की मैं बात करूं कि स्टेटफुल और स्टेटलेस क्या होता है, तो ये वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा। आपने जावा में सुना होगा, आपने पाइथन में सुना होगा, आपने एंड्रॉयड में सुना होगा, आपने फ्लटर में सुना होगा और क्यूबेरनेटिस में सुना होगा, और बेसिकली बहुत जगह ये सुना होगा। तो अगर मैं बात करूं कि स्टेटफुल और स्टेटलेस दो इन वर्ड की बात करते हैं सिंपल, तो इस नाम से ही क्लियर है कि स्टेटफुल का मतलब होगा जिसमें एक स्टेट हो और स्टेटलेस का मतलब होगा जिसकी स्टेट, जिसमें कोई स्टेट ना हो, जिस जो स्टेट लेस हो। सो आइए यहाँ पे क्यूबेरनेटिस में देखते हैं कि स्टेटफुल एप्लीकेशन और स्टेटलेस एप्लीकेशन क्या होती हैं। तो सबसे पहले है स्टेटफुल एप्लीकेशन। स्टेटफुल एप्लीकेशन ऑन द अदर हैंड कैन रिमेंबर एटलीस्ट समथिंग अबाउट स्टेट ईच टाइम दैट इज डन। सो बेसिकली स्टेटफुल एप्लीकेशन क्या होता है, स्टेटफुल एप्लीकेशन को एटलीस्ट अपना स्टेट कहीं ना कहीं सेव करना होता है एक परसिस्टेंट वॉल्यूम में, और जब भी वो नेक्स्ट टाइम रन करता है वो उस सेव वॉल्यूम से अपनी सेव इंफॉर्मेशन से अपने स्टेट को वापस से अचीव करता है। मतलब एक स्टेटफुल एप्लीकेशन को एक परसिस्टेंट वॉल्यूम चाहिए होती है जहाँ से वो अपनी स्टेट को वापस से अचीव कर सके। इसके एग्जाम्पल हैं आपके बेसिकली स्टोरेज एप्लीकेशन, जैसे कि आपके MySQL हो गया, डेटाबेस हो गया, MongoDB हो गया, जहाँ पर आपके डेटाबेस स्टोर होते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोर किए जाते हैं, की वैल्यू स्टोर होती है, ये होते हैं आपके स्टेटफुल। तो अगर मैं बात करूँ कि नीचे एक आपका डायग्राम मैंने दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल या ब्लॉक स्टोरेज सिस्टम। तो देख रहे होंगे आप कि पहला जो है उसमें लिखा है एप्लीकेशन वन और पॉड वन, सेकेंड है ऐप वन और पॉड टू, और ऐप टू पॉड वन। तो बेसिकली इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है, मान लीजिए आपके पास एक पॉड वन है और उस पर आप ऐप वन रन कर रहे हैं, राइट। अगर मान लीजिए आपको उस पॉड वन को रिमूव करना हो तो आपको क्या करना होगा, उस पॉड वन के डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, राइट। अगर आपने डायरेक्टली उसको रिमूव कर दिया तो आपका वो स्टेटफुल एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास उसकी स्टेट रह नहीं गई, आपने स्टेट ही रिमूव कर दी तो आपका कंटेनर वहां पे काम नहीं करेगा। तो बेसिकली आपको उसके इंफॉर्मेशन को एक दूसरे पॉड में सेव करना होगा, तब जाके आप पॉड वन को रिमूव कर पाएंगे, करेक्ट। एक बार फिर से देखते हैं, आपने ऐप वन को पॉड वन पे आपने रन किया, आपने पॉड वन के डेटा को पॉड टू में सेव कर दिया और तब आप पॉड वन को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसका स्टेट कहीं ना कहीं सेव करना होगा, उसका इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको सेव करनी होगी, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रन करें तो उसकी वो स्टेट वहां से पिक कर सके। सेम है नेक्स्ट में ऐप टू पॉड वन, ऐप टू पॉड टू, सेम कि आपको कहीं ना कहीं उसके डेटा को सेव करना होगा। अगर आप पॉड डिलीट कर रहे हैं तो आपको उस पॉड के डेटा को किसी दूसरे पॉड में सेव करना होगा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उस पॉड टू से इंफॉर्मेशन को गेन करके अपना स्टेट आप वापस से रिटेन कर सके और अपने स्टेट को अचीव कर सके, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टेटफुल एप्लीकेशन, जिसको एक परसिस्टेंट वॉल्यूम की जरूरत होती है अपने स्टेट को सेव करने के लिए और वहां से उसको स्टेट को पिक करने के लिए। अब बात करते हैं व्हाट इज स्टेटलेस एप्लीकेशन। स्टेटलेस एप्लीकेशन क्या होती है, तो स्टेटलेस एप्लीकेशन इज द वन दैट नीदर रीड्स नॉर स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट फ्रॉम वन टाइम दैट इज डन टू द नेक्स्ट। तो स्टेटलेस एप्लीकेशन को ना ही डेटा के स्टोरेज की जरूरत होती है और ना ही वो जब नेक्स्ट टाइम चलता है तो उसे कहीं से भी इंफॉर्मेशन को रीड करने की जरूरत होती है। अब तो स्टेटलेस एप्लीकेशन काम किस तरह करता है, तो देखिए स्टेटलेस एप्लीकेशन इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एप्लीकेशन। एवरी डे इट यूजेस अ वैरायटी ऑफ स्टेटलेस सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस। इट यूजेस HTTP टू कनेक्ट इन अ स्टेटलेस वे
utilizing messages which are rendered and worked within the isolation of each other and client state. तो basically क्या होता है कि आपके client पे ही आपको HTTP request के through वो information को catch up कर लेता है. इसे example दें, मान लीजिए आप अपने mobile पे या अपने system पे calculator को open करते हैं, तो उसमें by default आपको कोई भी information उसमें save नहीं होती है, उसको कोई state, किसी state पे save नहीं होता, हर बार वो new होता है. और जैसे ही आप उसे run करते हैं, आप उस पर काम करते हैं, तो जैसे application को आप close कर देते हैं, वो दोबारा से खोलने पर उसमें कोई स्टेट वहां पर नहीं रहता है. सबसे अच्छा एग्जांपल इसका फेसबुक है. फेसबुक कंटिन्यूअसली यूजेस अ स्टेटलेस सर्विस व्हेन द सर्वर रिक्वेस्ट अ लिस्ट ऑफ रीसेंट मैसेजेस यूजिंग द फेसबुक एपीआई. इट इश्यूज अ गेट रिक्वेस्ट विद टोकन एंड डेटा. द रिस्पॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सर्वर स्टेट एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट मशीन इन द फॉर्म ऑफ कैश. तो बेसिकली जब आप फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक क्या है, एक स्टेटलेस एप्लीकेशन है, जहां पर वो फेसबुक की एपीआई को गेट कॉल के थ्रू, उसके टोकन और डेटा के थ्रू वो उसको अचीव करता है. और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, वो किसी सर्वर पे सेव नहीं होती, बल्कि आपके क्लाइंट के मशीन पर कैशे के रूप में सेव होती है. आपका जो, अगर मैं बात करूँ आपके जो ब्राउजर है, उसमें जो कुकीज होता है उसमें वो भी यही काम करता है. बेसिकली आपके डेटा को वो टेम्परेली स्टोर करता है और वहां से वो इन्फॉर्मेशन को पिक करता है, राइट. वो किसी सर्वर पे आपके डेटा को सेव नहीं कर रहा. अगर आप अपने कैशे को रिमूव कर देंगे, तो आपने जहां भी लॉगिन किया होगा, वो इन्फॉर्मेशन वहां से आपके ब्राउजर से गायब हो जाती है, राइट. तो ये होता है आपका एक स्टेटलेस एप्लीकेशन, जो कि बेसिकली एक एपीआई को गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, टोकन और डेटा के थ्रू वो यूज करता है, राइट. तो अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच की डिफरेंस की. तो स्टेटलेस एप्लीकेशन क्या होता है, नीड पर्सिस्टेंट वॉल्यूम. स्टेटलेस को किसी भी पर्सिस्टेंट वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ती है. स्टेटफुल एप्लीकेशन को अपने रिकॉर्ड को कहीं पर सेव करना होता है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब चले तो उसे पिक कर सके. स्टेटलेस को कोई जरूरत नहीं होती अपने रिकॉर्ड की. रिक्वेस्ट नीड डेटा टू गेट द स्टेट, कहीं ना कहीं से डेटा चाहिए होता है अपने स्टेट को अचीव करने के लिए. और स्टेटलेस को की जितनी भी रिक्वेस्ट होती है, वो हर बार नई होती है, उससे कहीं से भी डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है. स्टेटफुल एप्लीकेशन की अगर मैं डिप्लॉयमेंट की बात करूँ, रन कैसे करता है, तो उसको डिप्लॉय करने के लिए हमें स्टेटफुल सेट की जरूरत पड़ती है. और स्टेटलेस एप्लीकेशन को हम नॉर्मल डिप्लॉयमेंट की तरह यूज करते हैं. नॉर्मल डिप्लॉयमेंट की तरह हम स्टेटलेस एप्लीकेशन को यूज करते हैं. अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल की, तो इससे पहले मैं जितने भी वीडियोस बनाए हैं, वो सभी आपके स्टेटलेस एप्लीकेशन है. वहां पर कहीं पर भी हमने किसी डेटा को स्टोर नहीं किया था. स्टेटफुल एप्लीकेशन के जो एग्जाम्पल्स होंगे, वो हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे, जहां पर हम डिप्लॉयमेंट स्टेटफुल सेट के थ्रू करेंगे. तो स्टेटलेस एप्लीकेशन जो होती है, वो थोड़ी सी आसान है. और स्टेटफुल एप्लीकेशन जो है, वो स्टेटफुल एप्लीकेशन थोड़ी सी यहाँ पर डिफिकल्ट होती है. थोड़ा सा उसमें चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, करेक्ट. सो आई होप ये वीडियो आपको कहीं पसंद आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं. और डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जिसमें डॉक्टर से संबंधित, डिबेट से संबंधित बहुत से लोग हैं, जो अगर आपके मन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें. वहाँ पे लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं और आप इंटरेक्शन करके अपनी लर्निंग को और भी डीप में जा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. टिल देन, थैंक यू.